प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग देखते हैं फोर्थ क्लास की इंग्लिश, ठीक है? तो डे 8 है, डेट क्या है 22 जून, और डे है वेडनेसडे, ठीक है बच्चे? तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने स्टेटमेंट को गौर से समझना है, पुट द करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है? करेक्ट प्रोनाउन को आपने यहाँ पर पुट करना है, तो ठीक है। तो बच्चे, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स, ठीक है बच्चे, जिनको हम प्रोनाउन के साथ रेफर करते हैं, मतलब प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, नाउन के साथ यूज़, सॉरी बच्चे, ऐसे वर्ड और लेटर जो हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम ही शी इट, ये क्या है हमारे पास? ये मतलब नाउन है ना। जैसे हमारा कोई नाम है तो ये नाउन है, हम अपने नाम की जगह आई यूज़ कर लें, ठीक है। अब माई फादर है, फादर है, फादर की जगह हम ही यूज़ कर लें, शी यूज़ कर लें, मतलब आई वी ही शी, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने देखना है माई नेम इज़ डैश, तो यहाँ पर आप अपना नेम पुट करना है। आई डैश एम इन क्लास, वो बच्चे आप एम के साथ आप लोग हमेशा आई यूज़ करते हैं, तो आई एम, ठीक है। यहाँ पर क्या है आई, आई हैव अ ब्रदर, तो ब्रदर के साथ बच्चे कौन सा प्रोनाउन आता है? ब्रदर क्या है? ये नाउन है, इसके साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा? देखें, डैश इज़ ओल्डर देन मी, तो ही इज़ ओल्डर देन मी, क्योंकि भाई की बात हुई है ना, तो मेल है तो ही आएगा। आई आल्सो हैव अ सिस्टर, बच्चे सिस्टर क्या है? नाउन था, इसके जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा? शी इज़ यंगर, शी इज़ माई यंगर देन मी, ठीक है, वो मुझसे छोटी है। उसके बाद क्या है? माई फादर इज़ ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, मेरे बाप जो हैं मतलब 30 ईयर से ज़्यादा के, मतलब 30 साल ज़्यादा उम्र है उनकी। तो फादर के लिए कौन सा आएगा? ही, क्योंकि ये भी मेल है, तो ही गोज़ टू वर्क, वो काम पर जाते हैं, ठीक है। माई मदर वर्क्स एट होम, तो मदर के साथ क्या है? मतलब मदर नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? शी टेक्स केयर ऑफ अस, वो हमारा ख्याल रखती हैं। माई फादर एंड मदर आर वेरी, अब यहाँ पर फादर और मदर की, जब बच्चे दो से ज़्यादा नाउन यूज़ हो जाएँ, ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? डैश लव अस वेरी मच, तो दे लव अस, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा यूज़ की है, ठीक है। तो फादर और मदर के लिए हम दे यूज़ करते हैं, फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर सिस्टर एक ही दफ़ा में अगर आ जाए तो इसकी जगह हम दे यूज़ करते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो ठीक है, डैश लाइक टू प्ले टुगेदर, अब इसमें उसने अपनी भी बात की, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, बच्चे आई के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? वी, तो वी लाइक टू प्ले टुगेदर, ठीक है, हम इकट्ठा खेलना पसंद करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने केयरफुली इसको समझना है और फिर इसको यहाँ पर राइट करना है।